फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आईएमडीबी मूवी एनालिसिस। ये हम करेंगे सारी चीज़ें एक्सेल में। सो हमारे पास कुछ एनालिसिस है मूवीज़ का, जो 1920 से 2010 तक का डेटा है जिस पर हमें एनालिसिस करना है। हमारे पास डेटा सेट है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगी लिंक। एंड जो भी मैंने एनालिसिस किए हैं एक्सेल शीट का, तो वो भी कर दूंगी। और ये जो डॉक्यूमेंट फाइल है जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ की थी मैंने, तो मैं ये भी फाइल कर दूंगी। और ये मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव था, मैंने ट्रेनिटी पे किया था, तो ये मेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है जिसमें बताया गया है कि जो हमारे पास आईएमडीबी डेटा सेट है जो 1920 से 2010 तक का है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लाइक पॉपुलर मूवी कौन सी है, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। और उसमें जो डिटेल है वो एक्टर्स, डायरेक्टर, बजट, कलेक्शन, इस सब के रिगार्डिंग डिटेल्स है। हमारी क्या अप्रोच रहेगी, सबसे पहले हमें डेटा को अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद हमें क्लीन करना होगा डेटा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वो चीज़ हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करेंगे, फिर हमें एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सा कॉलम हमें नीड है किस कॉलम की और किसकी नहीं है। जिसकी नहीं है उसको हम रिमूव कर देंगे कम्प्लीटली, एंड फिर हम चेक करेंगे ब्लैंक सेल वगैरह, फिर उनको रिमूव कर देंगे। तो उसके बाद जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसका आंसर देने के लिए हम पिवट टेबल या फिर अदर फंक्शन का, या फिर चार्ट की नीड होगी तो चार्ट का यूज़ करेंगे। और इस तरह से हम इन डेप्थ इसका एनालिसिस करेंगे। स्टैक यूज़ जो मैंने किया है वो है ऑफिस 365, एम एस एक्सेल ऑफिस 365 सूट जो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लीनिंग द डेटा। इसमें फ्रेंड्स सिर्फ मेन 2 to 3 आपको टास्क करना है। सबसे पहले आपको जो मैंने जैसा पहले बताया था, आपको एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू करना है जिससे आपको आइडिया आ जाए किसमें क्या पूछा है। उससे क्या है कि हमारे लिए जो कॉलम्स की नीड नहीं है उसको हम कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा बहुत लेंथी है, तो उससे हमारे सिस्टम के लिए भी अच्छा है। सेकंड थिंग, जिसकी नीड नहीं है उसको रिमूव करने से हमारे पास एक फाइनल डेटा मिल जाएगा जो एनालिसिस करने में हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा। मोस्ट प्रोबेबली एक्यूरेसी हमारी बहुत अच्छी रहेगी उससे। तो इसके लिए हमें 2-3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा कॉलम्स को रिमूव करना है। सेकंड थिंग, हमें ब्लैंक सेल देखना है। इसके लिए आप इक्वल टू ब्लैंक सेल करके डालेंगे तब भी आप देख सकते हैं। तीसरा, जो हमें डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों टास्क करने के बाद हमारे पास से हमारा फाइनल डेटा सेट आ जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल डेटा सेट आ गया जो है 2638। इसमें इतनी रोज हैं और इसमें कॉलम देखेंगे आप, इसमें कॉलम है 15। अगर आपको इस एक्सेल सीट का भी लिंक चाहिएगा जो मैंने एनालिसिस किया, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। आप मुझे लिंक कमेंट में कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, आप चाहें तो इसमें फ़िल्टर भी लगा के, जिस तरह से आप यहाँ पर जाएंगे, होम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऑटो फिल्टर कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको नल वैल्यूज़ कहीं पर NA लिखा हुआ हो या फिर ब्लैंक, सबसे पहले आपको ब्लैंक लिख रहा हो तो वहाँ पे आप सिलेक्ट करके वो सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यूज ऐसी नहीं है जो ब्लैंक सेल हो या फिर नॉट एप्लीकेबल लिख रखा हो या फिर कुछ भी नहीं है या फिर ब्लैंक ही है। तो ये सारा डेटा आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या, एक सेकेंड में देख लेती हूँ यहाँ पे क्या। देखिए यहाँ पे, अच्छा ड्रामा है, अच्छा ओके, ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, ब्लैंक नहीं है, ओनली ड्रामा है। ये कैटेगरी से, ये क्वेश्चन में आएगा, इससे रिलेटेड है एक क्वेश्चन, तो ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये चेक कर लीजिए कोई नल वैल्यूज़ है, कोई ब्लैंक वैल्यूज़ है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली रिमूव करके अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं। बाकी डुप्लीकेट चेक करने के लिए आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर डेटा पर जाइए, यहाँ पर आप मैनेज डुप्लीकेट पर जाइए या फिर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे रिमूव डुप्लीकेट। अभी मेरे पास एक भी डुप्लीकेट इसमें नहीं है इसलिए शो नहीं कर रहा, तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से आपको अपने डेटा को क्लीन करना है।
अब देखते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा फर्स्ट टास्क हो गया है क्लीनिंग द डेटा। सेकंड क्वेश्चन है हमें मूवीज विद हाईएस्ट प्रॉफिट, हमें 5 मूवी ऐसी फाइंड आउट करनी है जिसका प्रॉफिट हाईएस्ट था, और उसके बाद हमें आउटलेयर्स निकालने हैं बाय यूजिंग बजट एंड प्रॉफिट। चलते हैं मेरी एक्सेल शीट पे। सबसे पहले टॉप 5 मूवीज निकालने के लिए आपको यूज़ करना होगा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में आप मूवीज टाइटल को डाल सकते हैं रो में और वैल्यूज में डाल दिए प्रॉफिट को, तो आपकी इस तरह से टॉप 5 मूवीज निकल जाएंगी। आप फिल्टर लगा के टॉप 5 मूवीज निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसका बार चार्ट भी बना सकते हैं। उसके लिए अभी गिवन टास्क है नहीं, बाकी आपको बनाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए, चार्ट कीजिए और यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ये चार्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी नीड नहीं है तो आप मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। हमारा सेकंड था कि हमें निकालना है प्रॉफिट एंड बजट का आउटलायर्स निकालने हैं। आउटलायर्स होते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहते, लाइक मेरे पास एक डेटा है लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3 और एक पॉइंट है मेरे पास 67। देखिए अब मैं इनका एड ऑन करूँ, अगर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का मीन निकालूंगी तो 3 to 4 के अप्रोक्स आ जाएगा, लेकिन ये सबको इक्वल इन सबको ऐड करके मीन निकालूंगी तो ये अराउंड आएगा आपका 30 to 40 के बीच में, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वो इतना ही निकलेगा, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है। तो यहाँ पे 67 हो गया हमारा आउटलायर्स, तो अगर हम इसे रिमूव कर देंगे तो हमारा जो डेटा है उसकी एक्यूरेसी सही आएगी, इन्हीं को हम आउटलायर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये देखना है कि कोई ऐसी मूवी हो जिसका बजट हो 10 करोड़ और लेकिन उसने प्रॉफिट किया है 500 करोड़, लेकिन अगर वो इस चीज़ में रहेगा हमारे टेबल में रहेगी तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं वो एक आउटलायर है, जिससे हम मीन वगैरह निकालते हैं वो हमें पता नहीं चलेगा और हमारी एक्यूरेसी उससे रिमूव हो जाएगी। उसके लिए हमें आउटलायर्स हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रॉफिट है मेरा, ये बजट है मेरा, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मैंने अपने ये क्लीन डेटा में से ये कॉपी किया है, लेकिन देखिए इसका अगर आप डायरेक्ट स्कैटर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे ना ये फिगर आएंगी ना ये फिगर आएंगी, तो आप एक काम कर सकते हैं दोनों को ही सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको डिवाइड किया 1 and 666, सेम मैंने इसको डिवाइड किया और इसका पॉइंट निकाल दिया। अब मैंने जब इन दोनों का यूज़ किया तो ये मेरा ग्राफ बन गया। इंसर्ट में जाएंगे, ग्राफ में जाएंगे, स्कैटर प्लॉट में, इन दोनों को सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाना है। चार्ट में आप डायरेक्ट चार्ट में भी जा सकते हैं, यहाँ से जाके स्कैटर में जाके, और आप यहाँ से डायरेक्ट स्कैटर में भी जा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है ये अलग अलग दिख रहे हैं, ये मेरे आउटलायर हैं और ये मेरा प्रॉफिट एंड बजट का चार्ट है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, ये मेरे आउटलायर्स हैं और टॉप 5 मूवीज़ जैसे मैंने आपको एक्सेल में दिखाया मूवीज़ नेम एंड उनका प्रॉफिट, लेकिन अगर आप बेटर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब रो में आप मूवी टाइटल डालते हैं उसमें एक्टर नेम, डायरेक्टर नेम, टाइटल ईयर और IMDb स्कोर, ये अब अगर आप डाल सकते हैं तो ये बिग बेटर प्रेजेंटेशन लगेगी, यहाँ से आपको ज़्यादा नॉलेज आ सकती है, ज़्यादा टिप्स पता चलेंगे, लाइक अवतार मूवी उसका एक्टर कौन था, वो किस डायरेक्टर ने बनाई थी और किस ईयर में वो आई थी और उसका IMDb स्कोर, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंसाइट देता है अगर हम ये सारी चीज़ें एड ऑन कर सकते हैं। ये आप अपनी PPT में एड ऑन कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, बाकी आप एक्सेल पे सजेस्ट करूँगी इतना ही करें जितना आपको कहा गया है। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉप 250 मूवीज़, हमें टॉप 250 मूवीज़ निकालनी है, उसकी कुछ कंडीशन गिवन है, एक कॉलम बनाना है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसमें थोड़ा सा इंसाइट दे देती हूँ, 250 मूवीज़ का हमें देखनी है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखी लेकिन यहाँ पे हमें IMDb स्कोर के अकॉर्डिंग देखनी है। सेकेंड कंडीशन लेनी है हमें नंबर वोटेड यूज़र को काउंट करना है, कंडीशन है उसकी 25,000 से ज़्यादा वोटेड होनी चाहिए और फिर उनको रैंक करना है 1 to 250। ठीक है, फिर सेकेंड थिंग इसमें है, इसमें फिर अभी ये इंग्लिश मूवीज़ हैं, फिर हमको इंग्लिश मूवीज़ रिमूव करके
फॉरेन लैंग्वेज मूवीज फाउंड आउट करनी है। तो इसमें टोटल दो टास्क हैं, हम वन बाय वन करेंगे। पहले मैं बता देती हूँ, सबसे पहले मैंने क्या कैसे किया। सबसे पहले मैंने फिल्टर किया 25,000 से ज़्यादा का हो नम वोटर यूज़र। सेकेंड मैंने डेटा को सॉर्ट किया बाय यूजिंग IMDB स्कोर, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। फिर उसके बाद 250 एंट्रीज मैंने यूज़ की है एनालिसिस के लिए। फिर उनको रैंक देने के लिए मैंने सीक्वेंस फॉर्मूला यूज़ किया है। उसके बाद मैंने फिर इंग्लिश लैंग्वेज को हटा के डिसलेक्ट किया है। उसके बाद जो बची वो टॉप फॉरेन लैंग्वेज थी, फिर उसको मैंने टॉप फॉरेन लैंग्वेज में डाल दिया है। ये मेरी 250 मूवीज हैं, ये मेरी 250 फॉरेन लैंग्वेज मूवीज हैं। अब मैं एक्सेल शीट में चलती हूँ और आपको रिवाइज कराती हूँ मैंने किस तरह से किया है। सबसे पहले मैंने पाइवट टेबल बनाई, इसमें मूवीज टाइटल, नम वोटेड और लैंग्वेज इनफ इतना ही है। नम वोटेड यूजर लेंगे और इसकी नीड नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ले रखा है ये। आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं या फिर आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें आप जाएंगे तो आपको, आप देखिए इसमें मैंने 25,000 का फिल्टर लगा रखा है यहाँ से, ठीक है। एंड ये IMDB स्कोर है और ये है मेरा मूवीज टाइटल। अब देखिए मैंने IMDB के स्कोर के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट कर दिया है कि मेरा डिसेंडिंग में रहे या फिर आप असेंडिंग में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ किस तरह से डेटा दिया गया है। उसके बाद IMDB के बेसिस पे और नंबर वोटेड के बेसिस पे जो भी आपकी मूवीज आई है, जैसे शाशांक रिडेम्पशन है, उसको मैंने रैंक किया है किसके बेसिस पे, फॉर्मूला बताया था मैंने, सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाना है, उसके बेसिस पे आपको रैंक करना है। उसका दूसरा पार्ट था टॉप नॉन इंग्लिश, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इंग्लिश को डीसेलेक्ट करना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से इंग्लिश को हटा दिया और ओके किया। जो भी बची मेरे पास वो नॉन इंग्लिश और टॉप फॉर्मर इंग्लिश कह सकते हैं, टॉप फॉर्मर या फिर नॉन इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, ये रहा मेरा, सेम कॉपी किया, बस वहाँ देखिए आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा, ये टॉप फॉर्मर इंग्लिश है। इसमें मैंने और भी चीज़ें ऐड की, आप चाहें तो हटा सकते हैं, लाइक कितने बजट में थी, किस साल आई थी, क्या IMDB स्कोर किया, लेकिन मैंने इसको IMDB स्कोर के बेसिस पे शॉर्ट किया और ये मैंने डिसेंडिंग में किया है, देखिए। और ये इनकी रैंक है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेस्ट डायरेक्टर, 10 बेस्ट डायरेक्टर देखना है जिनका IMDB स्कोर का मीन सबसे ज़्यादा हो, हाईएस्ट हो, और अगर टाई है तो वो अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग, जैसे टाई है ये 8.60 8.60 40 एंड टोनी, तो अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग इनको रैंक करना है। सी पहले आता है, टी बाद में आता है, तो सी नंबर वन और टी नंबर टू पे कर दिया। तो हमने इसको कैसे किया, इसके लिए मैंने पाइवट टेबल यूज़ किया, फिल्टर यूज़ किया, पाइवट टेबल में टॉप डायरेक्टर डाल दिया रोज में और IMDB स्कोर डाल दिया आपने वैल्यूज़ में। उसके बाद आपको सॉर्ट करना है IMDB स्कोर के बेसिस पे, और क्या पूछा था इसने, बस यही पूछा है उसने। सो इसमें पाइवट टेबल यूज़ करेंगे, फिर फिल्टर कर दिया एंड सॉर्ट कर दिया IMDB के बेसिस पे। आप चाहें तो मैं आपको करके दिखा सकती हूँ एक बार, यहाँ से आप देखिए, आप यहाँ से इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में प्राइवेट टेबल यूज़ कीजिए, ये टेबल वन है। इसको न्यू शीट पे मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आपको सिर्फ बताया है। मैं डायरेक्टर नेम को ले लिया आपने रोज़ में और IMDB स्कोर को ले लिया आपने वैल्यूज़ में। ये आपके देखिए, अब आपके ये सारे डायरेक्टर की लिस्ट आपके IMDB स्कोर के बेस पर आ गई, लेकिन हमें इसका मीन निकालना है। IMDB का मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, यहाँ से एवरेज सेलेक्ट किया और आपने कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है, उसको हटाने के लिए आप यहाँ से ये हटा दीजिए, अभी मेरा वर्किंग नहीं है, आप हटा सकते हैं। अब मैं इनको फिल्टर करूँगी, वैल्यूज फिल्टर करूँगी, या फिर आप कर सकते हैं इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये आपके डायरेक्टर नेम चेंज हो रही है, आप देखिए, ठीक है। लेकिन
हमें क्या करना है, हमें टॉप 10 लेना है। यहाँ पे टॉप 10 गए, आइटम गए, और किस बेसिस पे, एवरेज ऑफ IMDb स्कोर पे। ये आ गए मेरे टॉप 10 डायरेक्टर। आई होप आपको विजिबल होंगे ये। इस तरह से आपने इनको राउंड ऑफ कर दिया। आई थिंक एक ही नीड तो होगी मुझे, हाँ, इस तरह से। तो इस तरह से आप वहाँ कर सकते हैं। अब इसको वैल्यूज फिल्टर में गए एक बार, टॉप 10 में चेक किया। ठीक है, आप यहाँ से बॉटम भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे आपको एक फिल्टर और करना है, आपको इसको भी सॉर्ट कर देना है डेटा को इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलते हैं। आई होप इतना तो आप कर लेंगे। पॉपुलर जेनर, पॉपुलर जेनर के लिए मैंने किस तरह से किया है, परफॉर्म द स्टेप यूजिंग द नॉलेज गेन फ्रॉम, जैसे लास्ट में किया था इसी तरह से ये मिलता हुआ है। इसमें वही पाइवट टेबल फिल्टर एंड शॉर्टिंग हमें करनी है। तो हम जाएंगे अपने, मैं शीट को डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मैंने ये आपके लिए करके दिखाया है। शायद ये सिलेक्ट नहीं हुई है, ये रहा डिलीट शीट। ओके, पॉपुलर जेनर पे जाएंगे। इसमें क्या है, आपको जेनर सेलेक्ट करना है रोज में, और काउंट ऑफ जेनर आप जैसी वैल्यू में जेनर करोगे तो काउंट ऑफ जेनर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। अब देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं ड्रामा मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है, उसके बाद कॉमेडी ड्रामा एंड रोमांस है। ये आप चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें दूसरी कैटेगरी भी है शायद, नहीं वो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको पाइवट टेबल का यूज कैसे करना है, जेनर को डालना है रो में और फिर उसी को ही वैल्यूज में डालना है। सो जो सबसे ज़्यादा काउंट होगा वो ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहेगी। मैं लिंक दूंगी तो आपकी शीट भी लिंक में खुल जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट है। एक तो सबसे पहले हमें फेमस एक्टर निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है किसके बेसिस पर हमें देखना है, मैं बता देती हूँ एक बार। ये तीन एक्टर हैं, मेरिल स्ट्रीप, लियोनार्डो डिकैप्री एंड ब्रैड पिट। ओके, एंड एक्टर वन नेम कॉलम का यूज़ करना है हमें ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद इनकी मूवीज़ को काउंट करना है, और नंबर ऑफ क्रिटिक फॉर रिव्यू एंड नम यूज़र ऑफ रिव्यू के बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना है और किसका हाईएस्ट मीन है वो पॉपुलर एक्टर है। सेकंड थिंग, हमें ये देखना है डिकेड के बेसिस पे, जैसे कोई मूवी है 1923, 1925, उसको हमें कंसिडर करना है 1920s में। दैट मीन हमें डिकेड में ये चेंज करना है फॉर्मूला, एंड फिर सॉर्ट करना है कॉलम, फिर देखना है कि मूवीज किस तरह से नम वोटेड यूजर है किस तरह से इंक्रीज हुई है। इस तरह से कि जो नंबर ऑफ वोटेड यूजर हैं किस तरह से 1920 से लेकर 2010 तक इंक्रीज हुई है, फिर उनका चार्ट बनाना है। चलते हैं मेरी एक्सेल शीट पे। सबसे पहले मैंने पाइवट टेबल का यूज़ करके, सबसे पहले ये एक्टर नेम आ गया, ये मीन ऑफ नंबर यूजर रिव्यू आ गया। ये इन दोनों कॉलम को आप वैल्यूज में डालोगे, इसको आप रो में डालोगे, और फिल्टर में आप इन तीनों को ही सिलेक्ट करना है आपको, तभी इनका निकलेगा। अब आप चार्ट के थ्रू देख सकते हो, लियोनार्डो दी कैप्री सबसे ज़्यादा फेमस है ऑन द बेसिस ऑफ मीन ऑफ नम यूजर ऑफ रिव्यू, मीन ऑफ नम क्रिटिक्स ऑफ रिव्यू के बेसिस पे। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि राउंड ऑफ करना है डिकेड को। उसके बाद करने के लिए क्या करना है आपको, वैल्यू जैसे आपकी 1923 है, 1925 है, उसके आगे आपको किस तरह से कन्वर्ट करना है डिकेड में, इक्वल टू वैल्यू लेफ्ट में G4, 4, इस तरह से आपकी कन्वर्ट हो जाएगी ये। ठीक है, इसी तरह आपको सारी चीज़ें कन्वर्ट करनी है। उसके बाद सम ऑफ नंबर वोटेड यूज़र निकाल दिया आपने, सम निकालना है 1920s में, मतलब 1920 से 30 तक जितना भी है उनका सम 1920s के अंदर आ गया। उसके बाद ये आपका चार्ट मैंने इसके बेसिस पे बनाया है, तो यू कैन सी 2000 का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है,
और देखें अगर हम 10th 1920 से धीरे धीरे थोड़ा इंक्रीज हुआ है, और 1960 से लेकर 2010 तक किस तरह से ही इंक्रीज हुआ, उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है 2010 में। तो ये थी हमारी इनसाइट, आपको ये एक्सेल का एनालिसिस करना है, फिर आपको पीपीटी भी बनानी है। अगर पीपीटी में आप करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, थोड़ी इफेक्टिव लगेगी, तो मैं सजेस्ट करूँगी पीपीटी में ही बनाएं, मैंने तो डॉक में बनाई है। सो इस तरह से मैंने अपना ये लॉजिकल और यू कैन से एक्सेल एनालिसिस किया है एक्सेल पे। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और कौन से डेटा पर स्पेशली ट्रिनिटी के डेटा पर आपको मेरी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताएं प्लीज़। मैंने इतनी मेहनत की तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।